बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून के प्रचार अभियान लगातार जारी है। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून की नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में राजेश जून ने के शहर की कई कॉलोनियों में प्रचार के लिए पहुंचे। राजेश जून ने दावा किया है कि वो 36 बिरादरी के नेता बनकर बहादुरगढ़ की 24 घंटे फुल टाइम सेवा करेंगे और बहादुरगढ़ को एक नया बहादुरगढ़ बनाएंगे। राजेश जून ने लोगों को 29 सितंबर को आयोजित रोड शो में शामिल होने की अपील भी की है। एक ही डिमांड है, सिर्फ एक ही डिमांड है, 8 अक्टूबर तक सिर्फ राजेश जून। हल्के की पब्लिक की एक ही डिमांड है, सिर्फ राजेश जून। और सारी 50,000 बहनें, उनका परिवार आज राजेश जून के साथ खड़ा है। सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक ने प्रचार को तेज किया है। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक के पक्ष में वोट की अपील करने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले गन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील मतदाताओं से की। जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से जनता को लूटने का काम किया। अठावले ने दावा किया कि लोकसभा में भले बीजेपी को कम सीटें आई हो, हरियाणा में मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। गन्नौर की जनता ने उन्हें जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड विकास हुआ है, ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। करने के लिए जरूर, मतलब जो बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी